अबे प्रिंसिपल साहब, स्कूल नहीं गया आज? चाचा स्कूल तो चला जाता पर मैथ्स की कॉपी खो गई। मैथ्स की कॉपी खो गई तो फिर क्या हो गया? मैं तुझे और कॉपी दिलवा देता। जिसमें काम रखा था वो कौन करेगा? मतलब काम वाम तुम्हारे पढ़ने का ना, हम तो खेतियारा काम तो कर सके। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अच्छा बता की बात बता। अरे यार किट्टू, दोस्त समझ के बता दे। आज यार जोगे, आज आज स्कूल जाने से रुकवा दे। ठीक है मेरी बात सुन। भाई तू स्कूल जाता है नहीं, फिर की फीस भरवा रहा है? आराम की कमाई है हमारी। तू थोड़ी फीस भरा है, मेरा बाप भरा है। अच्छा तेरी खाल तार लो, बाल के तो दिखा दे, तेरा खोपड़ा तो फोड़ दूंगा। अच्छा मारा बालक, मारी मर्जी हम स्कूल भेजे या ना भेजे। अगर स्कूल भेजोगे तो वहां तक कुछ ना कुछ सीख के तो आओगे, इसे घर में किसी का नहीं बताओ, इसमें थारा ही फायदा। सुन मेरी बात, तू ज्यादा हमारे नफे नुकसान की मत सोचो, उसके लिए हम बहुत है, ठीक है ना? आया चल के नफा नुकसान। चल गया खेत में? हाँ जी चल दिया। कुछ खा पी लिया? हाँ खा। हाँ ही आ रहा है तेरी, बता। हाँ दूध पी तो लिया। ठीक है। हाँ बेने बाबू, एक बात कहनी थी। तड़के परसों में फिर जोगिंदर को देखने वाले आवेंगे, इन्हें अपनी बहू अर्गुन कह दियो वो पिछले वाला ड्रामा ना करे। ऐसा क्या कह दिया जो सुबह सुबह हमें घेर कर खड़े हो गए? हमने तुमसे कितनी बार कही हमें चलते हो कि मत टोके करो, जो सच्चे हो बताई जाएगी। लड़की वाले टाल करके तो हमारी बच्ची है। सच सब झूठ मजे मत बताओ, अरे दिमाग में जो चल रहा है मुझे सब पता। अरे हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तुम अपना दिमाग ठीक कर लो और हमें जान दिया करो, फालतू की राजनीति अपने दिमाग तक रखो। फिर उन लड़की वालों के आगे इन्होंने इतनी गंदी हरकत करी क्यों? हम क्यों करते ना, हमें जरूरत ऐसा कुछ है उसमें जो अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में देगा, इसमें गलती हमारी ना है। ओए इन्हें कहो जुबान को लगाम दे, नहीं तो तमे भी नहीं नबी, अब ऐसी हरकत होगी ना तो भूल जा मैं तो मेरे बालक। अरे हम तो की चाह रहे, तो हमें भूल जा, तेरी याद से हमारे कुछ भले होने वाले नहीं, सिर्फ टेंशन ही बढ़नी है। चल भाई अरे पिंटू तू यहाँ कैसे आता तड़की तड़क? भाई मैं तो तेरे से दावत लेने आया हूँ, कल छोरी वाले आए थे देखने और रिश्ता पक्का हो गया, घर तो तुमने मिला नहीं, मैं तो खेत पे चला। अरे यार कहाँ पक्का हो गया, छोरी वालों को सबको सरकारी नौकरी चाहिए। देख भाई तुझे भी पता तेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, और जिन पे ऐसा हो रहा है उन्हीं के लिए तू रात दिन भूखा प्यासा खेत पे मंडा रहे। अरे बावले ऐसा कुछ ना है, तू एक बात बता, अनपढ़ू कौन दे देगा अपनी छोरी, और दूसरी बात ब्याह करवा करना भी क्या है, टाइम तो दो रोटी मिल रही है बतेरा। क्यों भाई तू नहीं चाहता कि तेरे बालक तुझे पापा पापा कहने? अरे यार वाह तो तेरी ठीक है, मारा उसे सूरज का लमड़ाना वो एक ही भतेरा, अगर ऐसे तीन चार और हो गए तो मारे तो घर में आपत ही आपत हो जाएगी। ओ भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं तो चलूं। अरे बैठ तो सही, अरे रसगुल्ले मंगवा रखे हैं। भैया तेरे नेते हुए ब्राह्मण भूखे मरेंगे। अरे एक बात तो बता, ब्याह मेरा हो गया नहीं तो ब्राह्मण भूखे कहां मर जाएंगे। अरे चल तू बैठ। यार हाँ भाभी। घनश्याम परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है? भाभी परेशान बहुत हूँ। के बात के हुआ? ये जो दो बालक है ना मेरे, सूरज और यू विपिन, और इनकी बहू, इन्होंने नाक में दम करा। रिश्ते वालों के आगे फिर तो बवाल कर दिया दिखे तेरे औलाद ने। बवाल तो नारा तो कुछ जानते नहीं, बवाल ही करे जिब भी करे। बता के करे, लुगाई के चक्कर में ना भाई भी ना दिख रहा। भाभी तो चिंता ना माने, इबके मैं पूरे टाइट करके आ रहा, तड़के फिर एक पार्टी आ रही, उन्होंने कुछ करे ना इबके हाथ पकड़े घर से बाहर कर दिया। वैसे तो इन्हें घर से बाहर करते, इनका बने भी है घर से काटा जाना। आखिरी मौका है इबके इनके दौरे, सही सही वो दिन धरेंगे तो ठीक है, ना इबके ने घर से भगाई रहा। सही कह रहा, चल आ जा
चाय पीता जा, सुबह सुबह का टाइम है। बस खेत में जा रहा है, एक बार बहू ने भेजा अपना मिट्टी तो छिका के। अरे आ जा ना भाभी, चलूं। अच्छा भाभी राम राम। चल तू नहीं मानता तो राम राम। जोगिंदर ये लोग क्या कर रहे थे खेत में इतनी बार लगा दी? पिताजी पेड्डी वाला खेत है ना, उसे पानी दे रहा था। आ गया? हाँ जी। ये भी एक मेरी सुन ले, ये लत्ते वत्ते बदल ले, ना धो ले, आज तुझे देखने वाले आ रहे। अच्छा हाँ, देखने वाले मुझे आ रहे हैं। और बने ठने तुम बैठे हो धूले की ढाल, तुम एक काम करो, तुम अपने ब्याह करवा लो। दिमाग ठीक है कि लट फेरू? जाके जुकर मकानू कर ले, सुन गया के? मजाक ले रहा मेरी, ब्याह हो जाएगा हो जाएगा, नू तो देख नहीं रहा। ओए न बब्बू चल दिए के, ई बेक मेरी सुनते जाओ। अब क्या हो गया, क्या सुनाओगे सुनाओ? आज इसे जोगिंदर को देखने वाले आवेंगे, इन्हें अपनी बहू और को कह के जाइयो चिलत्र थोड़े कम दिखावे, कदे का फिर ब्याह टूट जाए। हां हम ही ना होंदे उसका ब्याह, जब देखो हमें ताने मारते रहे। मैं हमें क्या जरूरत है उसका रिश्ता तुड़वाने की, जब उसके नसीब में ना है तो हमारी क्या गलती है? देख रहे सूरज के कह रही है, इसे घना पता उसके नसीब का। अरे पहले अपना दिमाग ठीक करो, उसका नसीब भी ठीक हो जाएगा। हमारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, तुम अपना दिमाग ठीक करो पहले। तुम अंदर को जाओ, इस बुड्ढे का तो काम है ताने मारने का, इसके तानों ने बुढ़िया मार ली, अभी हमें मारेगा। चल बैठ, चले। इस बुड्ढे का तो यही काम है, तीसरे दिन हमारी छाती पर रिश्ते वाले ला के बैठा दे। जो ये बुड्ढा सोच रहा है ना, वो तो हम कभी ना होने देवे। रिश्ता तो आज भी ना होने देवे हम इस पागल का, कभी ना होने देवे। देखो जी हमारी लड़की तो पढ़ी लिखी आठवीं है। पढ़ाई लिखाई की हमें कोई जरूरत नहीं, छोरा हमारा भी खेती करे, सारी खेती वही संभाल रहा। दो भाई और भी हैं इसके, वे पढ़ रहे नौकरी करे, यू अपना खेती में लग रहा। कितनी बीघी जमीन आप पर गांव तांग सिंह? जमीन तो घर की तो 7-8 बीघे ही है, बाकी 5-4 बीघे उगाई पे बोले, चल जा इस काम। तो सारी खेती हाथ से कर रहे हो? हाँ नई किराए भाड़े पे करवा ले, जोगिंदर ही लगे रहे खेती में तो, क्योंकि वे तो नौकरी पे चले जा, यू थोड़ा पढ़ ना पाया उतना, उस दौरान इनकी माँ तो बीमार थी, यू कह लेगा दो भाई पढ़ लेंगे यही बतेरे, मैं अपना खेती खाती करी जमा, मगर चलो बंदू कर लो। लो जी और लो नमकीन। ना जी ना। होका प्रबल दू? ना पापा ना कर दिया। जैसा उस जोगिंदर को मिर्गी पड़ा है ना, ऐसी मेरे छोरे को भी कर दी। कर दिया ना नाश, जोगिंदर का काम देख लेते मिर्गी पड़ती हुई। मैंने कद क्या ही उसके मिर्गी है, मैं तो नू कह रही थी जैसा खुद गिरता पड़ता फिरे जा, ऐसे ही हो गिर गया। ब्याह तो मैं उस वक्त करके रम्मा, थारे पे जो होगा वो कर लियो। हम ना कर रहे कुछ भी, थार पे उसके बन्नो बैठाए जाते हो तो बैठा लो। हाँ बैठा लू मां, करण में कसर गाल रहे तुम। हाँ पिताजी, कैसे लटते रखा था ना, अच्छी बड़ी वहां एक नाल लग रहा था। जा बेटे तू यही नाल ले जा, पता ना खेत पे ले आ, घर आओ, घर तक खेत पे। एवरी मास्टर जी की चल रहा तेरा स्कूल में? चाचा मेरे स्कूल में तुड़ाई चल रही है। तुड़ाई चल रही है, पर वो क्यों? चाचा जो भाई मैथ्स वाली मैडम है ना, बार बार कॉपी चेक कर रही है। आज तो रिश्ता होते होते रह गया, अगर मैं वहां मिर्गी की झूठी बात लड़की वालों के कानों में ना गेरती तो। वैसे तो लगता ही है वो मिर्गी का मरीज है। उन्होंने तो हमारा खून ही पी रखा है। अच्छा जी खून पी रखा, तो तुझे कॉपी दिखा दे कर। मैं तो कॉपी दिखा दूं, मेरा सारा काम पूरा है। तेरा सारा काम पूरा था, पढ़ता तो मैंने कभी देखा नहीं, स्कूल में भी गोड़ मार जावे है। बुड्ढा कितने भी जोड़ लगा ले, ये शादी हम नहीं होने देवा भाई। इसका ब्याह हो गया तो ये बहू के चक्कर में लगा रहेगा, इसे खेती कहाँ दिखेगी फिर बहू आए पीछे। मारा तो नौकर हाथ से लिगड़ जाएगा, हम तो इसकी लंगार पालने में ही रह जाएंगे यार। ना भाभी ना नौकर, ना मुफ्त का नौकर। चाचा तू मेरी छोड़ अपनी बता। मेरी के पूछे है तू, मेरा सारा काम अगाऊ चल रहा, खेत में पानी टाइम तो लग रहा, खाद टाइम तो लग रही है, सारा काम अगाऊ चल रहा। खेती को फूक तू, ब्याह की बता। ब्याह के नाम का तो बुड्ढे के करंट से उठ जा, अब जब न्यारे होने की कह दो तो बुड्ढा मरण को तैयार हो जा। ब्याह तुझे अपना ब्याह करवाना है ना,
पत्नी भी आगी ना तेरे भी आगी। अरे मेरे भैया को तो फूक पड़े तू, जब होगा जब हो जाएगा। नहीं चाची को डालेगी। चाची है तो वावी पीन की बहू, वावी तो तेरी चाची है। अरे थोड़ा बाबी मेरे पे ऐसा भड़क रहा था जैसे मुझे जान से मार देगा आज। कही तो ना तुम्हें उसने कुछ? हम कैसे सुनने वाले हैं? हम कौन सा डरा है इससे? डरने की जरूरत ना, कुछ गड़बड़ करेगा ना तो इस बुड्ढे की सोल मटा देंगे। चाचा इससे बढ़िया तो मेरी मैथ की मैडम है। अच्छा चल तू बता, तेरी मम्मी की धारा तेरी चाची भी हाथ बैठा दे तेरे पे ना। चाचा तुझे छोड़ के और बाबा को छोड़ के सब अपने थोड़े थोड़े हाथ साफ कर ले। अरे मेरे शेर शेर है तू शेर। इसकी सोल तो खुद ही बैठने वाली है, कागज तो चले गए अमराज धोरे, बस फाइल पास होनी बाकी है। एक आधा रिश्ता और टूट जाए जाहिल गवार का, बस उसी दिन फाइल पास हो जाएगी। अच्छा तू उसे छोड़ मेरी मैथ वाली मैडम सेट कर ले। अच्छा तू बड़ा चंटा भाई है, ब्याह मेरा करवा रहा है और फायदे अपने देख रहा है। इस बुड्ढे की ऐसी जिंदगी पूरी हो जाएगी, कभी छोरा देख कभी छोरा दिखा, तड़फ तड़फ का मर जाएगा, मगर ये ब्याह हम होने देने के। अरे मैं कह रहा ना, मैंने कह रहा कुछ भी सो। इसे क्वार्टर कमरा ये दिखा। चल तूने बता दूध पी लेता है कब का? अच्छा जी भाई 24 घंटे इसके धोरा पड़ा रहा है कर, ऐसी बढ़ी है जैसे वो डंगर है, स्कूल में तो जाने का मतलब नहीं तेरा। कैसे घूर रहा है, खाएगा के पड़ा रहा है इसके धोरे 24 घंटे डंगर के। मैं यही सोऊंगा। सुआ तुझे, चल भीतर। मोटी बताओ अभी क्यों है मोटी, चल भीतर। हाँ मुझे यही सोना है, मुझे ना सोना है, चल खड़ा। सुनो अरे भाभी जी, अगर यही सोने कह रहा तो यही सो जाने देती। चलो भाई घनश्याम। हाँ क्या होया, आए छोरे वाले? अरे आए थे भाभी पर चले भी गए। हो गई बात पक्की? अरे भाभी जिस घर में इतना कलेश हो वहाँ कोई बात पक्की हो सके? अब के कर दिया दोनों ने? करते के नू बता दिया, अब जोगिंदर के मिर्गी के दौरे पड़े बस वो भी अपने चले गए। ये बहू भी बड़ा कलेश कर रहे हैं, हुन ना देरी भैया छोरे का सगे है नू इतना उन देरी, पता है कि न्याम श्याम की धरती आवेगी, कुमावेगा सारी जिंदगी डंगर की डाल इनके धरे। अरे जोगिंदर भी लगा रहा है अंधा बावलों के काम में, खेती के अलावा ऐसा कुछ दिखे? अरे भाभी भतेरा रखू मैं तो, पर मेरी सुन कौन गया? तो मेरी सुन छोरी एक बहुत सुथरी नंगला में, भाई ये मेरा मुंह बोला, तू कह तो बात चलाऊ। फिर भाभी तुझे मेरे घर का सारा पता, जो छोरी का बापू मान जा तो तू इस काम को करवा दे। गरीब आदमी है, दहेज के चक्कर में छोरी का ब्याह ना हो रहा, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। काम बता, जो कुछ कहेगी वही करूंगा। छोरा तो दिखा देंगे बाहर, जब छोरे देखने जाएगा तो तू संभाल लीजिए, क्योंकि गड़बड़ तेरे घर से हुआ है। ठीक है भाभी नू ही कर लेंगे, वहां जाके मैंने बिल्कुल नहीं बोलने दी, वो काम मेरा है, मैं आपसे मांगूंगा। फिर ठीक है भैया, फोन करूंगी, दो चार दिन में आके जोगिंदर को देख जाएगा। ठीक है भाभी तू करवा इस काम को, फिर मैं तेरी कड़ी गूं। अच्छा भाभी राम राम, मैं चलूं। हेलो हेलो, तिलक रूमूरी बोल रही हूँ बेटा, करमपुर से। दाना राम राम, कैसी है तू? आज तुझे कैसा याद आ गई फोन की? अरे रिश्ता बताने को बात कर रही तेरी छोरी के लिए, हमारे काम का छोरा। अरे बहुत ही बढ़िया छोरा, तू देख ले बेटा एक बार। अच्छा के कर रहा है? खेती बाड़ी है, दो भाई है, ब्याह हो लिया दोनों का, और बापू है, और उनके माँ को मरे बहुत साल हो गए। बहुत खुश रहेगी छोरी, भरा पूरा घर है बेटा, तू बिल्कुल फिकर मत कर, चिंता मत कर छोरी के ब्याह की। ब्याह हुए बालक न्यारे रहे मैं? रहे तो सारे इकट्ठे ही, पर छोरे की भाभी बड़ी तेज है, ब्याह ना होने दे रही, बहुत मेहनती है छोरा, सारी खेती बाड़ी अपने कंधों पे ले रखी है, वो ही थाम रहा है सब। देख बहन, छोरी का बाप हूँ, अपनी छोरी को कहीं ऐसी जगह नहीं गिरने का जो मेरी छोरी दुखी रहे। ऐसी कोई बात ना, तू तसल्ली कर ले, तुझे ठीक लगे तो करिए, तू देख ले सही लगे तसल्ली कर, और जब लगे तो तू तब करिए, वैसे कोई जबरदस्ती ना है। ठीक है बता फिर कब आएगा छोरा देखने?
परसों से तो मेरी सोसाइटी काम चालू हो जाएगा, पता नहीं फिर कब टाइम लगे, मैं तो कल ही आ रहा हूँ। कोई दिक्कत ना है, तू कल को आ जा और छोरा मैं दिखवा दूंगी तुझे। ठीक है बहन, राम राम, कल को आऊंगा। ठीक है भैया, राम राम। देख छोरा बहुत मेहनती है, ऐसा छोरा तो मिले ना कहीं, देख ले एक बार तू। हाँ। अगर जैसे तुम बता रही हो ऐसे छोरा हाँ। निकला तो मेरी बेटी के भाग जाग जाएंगे। इधर चल इधर। अच्छा इधर इंगे ये। और रुक एक चीज दिखाऊं तुझे, यो खेत देख रहा छोरे का ही है यो। अच्छा। और इतना मेहनती है, यहीं कहीं लग रहा हो किसी खेत में, और तू जा देखिया उसे, मैं यही बैठी हूँ। ठीक है। ओ लाला, पूरक सुनिए। हाँ जी। राम राम जी। राम राम भाई। हाँ जी बताओ। अरे भाई, ढोलकपुर का रास्ता यू ये के? ढोलकपुर का यू रास्ता? तुम तो बहुत गलत चढ़ गए हैं। किन्ने बताया था मैं यू रास्ता? अरे भाई, बस स्टैंड पे उतरा था तो मैं बोला ढोलकपुर का रास्ता कौन सा, बोला इधर को चला जाओ। ओहो, जब आदमी को नहीं पता होती तो क्यों रास्ता बताई करे? नू भी तो कह सका है मुझे ना पता। कोई बात नहीं भाई, अब ये बता कितनी दूर होगा? नू मानो, तुम अगर यहाँ को भी जाओगे ना तो आगे जाकर नहर पड़ेगी, अब नहर का उल्टा हाथ को हो लियो, बस वही गांव पड़ेगा और करीब आधा पौना घंटा लगेगा। गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो बहुत हो रही है। तुम एक काम करो, तुम छाया में बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलवाता हूँ। आओ। ठीक है भाई, आओ। अरे भाई, जंगल तो थारा बहुत बढ़िया। जंगल तुम्हारा बहुत बढ़िया। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। देखो छोरे ने फसल कितनी अच्छी कर रखी है, ऐसे तो पूरे मारे गांव में नहीं है। और लड़का भी देखो संस्कारिक है, बहुत अच्छे व्यवहार का। अगर इसकी और मेरी बेटी की जोड़ी बन जाओ तो कितनी अच्छी रहेगी। बहना ने मौका तो बहुत अच्छा बताया। लो जी पानी। तो ढोलकपुर कैसा है, किसी रिश्तेदारी में? भाई महाराज एक मिलने वाला, उसके पास जा रहा था। पर भाई एक बात बता, तैने फसल बहुत अच्छी कर रखी है, कौन सा खाद गिर रहा है तू इसमें? खाद? खाद तो हम जी घर का ही गेरे करें, हमने आज तक अंग्रेजी खाद योजना करा। भाई मारे गांव में तो लोग अंग्रेजी खाद गिर गए थक लिए, पर ऐसी फसल किसी की ना। देखो जी, यह जो फसल है, यह मेरे माँ बाप है, मेरे भाई है, मैं इनकी बहुत सेवा करूँ, और हाँ हर पानी के बाद फावड़ा अपने हाथ तक काट लूँ। अरे भाई, कितनी कम उम्र में इतना लंबा अनुभव ले रहा खेती का? बस जी बचपन से इसमें लग रहा हूँ। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं भाई? हाँ जी पूछो, हम बुरा क्यों मानेंगे? थारे गाँव में मीरपुर से एक शादी हुई है, छोरा पेपर मिल में नौकरी करा है, मारे मिलने वाले की लड़की है, कुछ पता छोरी कैसी है? तो भाभी के बारे में कह रहा दिखे है। के हुआ भाई? अजी तो मेरी भाभी है, बिल्कुल मेरी कति सगी भाभी है, और बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, सुशील है, उसकी जैसी तो गांव में कोई दूसरी है ही नहीं। भाई मैंने तो सुना बहुत तेज है वो। अजी नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, बेचारी लक्ष्मी है, जब तुम्हारे घर आई है ना उनने हमारा घर ही भर दिया। अच्छा तो ठीक है भाई, मैं चलूं? अजी नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे, चाय पी के जानी पड़ेगी, भाभी की रिश्तेदारी की बात है, अगर भाभी को पता लग गया ना तो बहुत गुस्सा होगी। भाई मुझे भी वापस जाना है, बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाइए, पानी तो पी लो, और पानी पी लो। भाई पानी रहने दे, बीड़ी बाली पी कर रह के, एक बीड़ी मुझे पिलवा दे। बीड़ी? बीड़ी तो मैं ना पीता जी, पर हाँ अगर तुम्हें बीड़ी पीनी हो तो मैं गांव में अभी गया भाग के और थे बीड़ी लेकर आऊंगा। कोई जरूरत ना है, मैं भी चलूं, तू अपना काम दे। चलो ठीक है मौसा जी, लगाइए चक्कर फिर। है ठीक है भाई, जरूर। अच्छा राम राम जी। राम राम भाई। अरे आलिया। हाँ बहन।
देख लिया छोरा? बहन छोरा बड़ा जिम्मेदार और समझदार भी है। बढ़िया, फिर बाप से बात करो उसके। बहन मैंने तो पूरी तसल्ली कर ली, तो उसके पिता से बात कर ले, छोरी को देखना आ जाओ किस दिन। ठीक है, चल फिर। चलो। जब महाराज भरत चित्रकूट पहुंचे तो पुरुषोत्तम श्री राम भाइयों को देखकर भावुक। सुन रहे दोनों? के बाद छोरी वाला आ रहेगा फिर कहीं से? छोरी वाला तो छोरे को देख गया, इब जे तो तड़के हमें जाना छोरी देख। वाह, तो फिर हमें क्यों बता रहे हो? तड़के चलना है छोरी देखन, नू बता रहा हूँ। ये हमारी क्या जरूरत है, जैसे हमें बिना बताए छोरा दिखा दिया वैसे छोरी देखे हो। बताने का काम था मेरा, मैं बता दिया, आगे थे रजी जुकर करोगे कर ली। हाँ, अब तो हमारे इस घर में कुछ है ही ना, हम तो पागल है ना, पूरे दिन तो हम काम करे जहाँ, और हमारे तो फिर कोई बुझो भी मत। हमारे औकात तो इस घर में नौकर जैसी बना रखी, कितना भी कर लो फिर भी कोई भलाई ना। लो पोलो ड्रेस ले। भाषण तो दो मत, जो तुम्हें करना करियो, नहीं जाओ बाढ़ में, हम आप कर लेंगे। खेल तो जब ही खेल लेगा जब हम खेलने देंगे। यो ब्याह रुकवाना पड़ेगा, अगर यो ब्याह हो गया तो जमीन के तीन हिस्से होने का कोई नहीं रो सकता, यो समझ लो घर की इट्टे बिखर जाएंगे। बुड्ढे को पहले निमटाना पड़ेगा। अब कैसे होगी, छोरी वाला तो इस पागल को देख के हो भर गया, अभी बुड्ढा वहां जाके नाटे भी नहीं। ना नाटो, हम सारे कल साथ चलेंगे और हम वहाँ कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो छोरी वाला ब्याह की ताली कर दे बिल्कुल। अरे कैसे चलेंगे, हमने तो छुट्टी भी ना ली। हाँ छुट्टी ना ली, कहीं के कलेक्टर हो ना तुम। अरे यार तू तो बहुत डर है, मुझे देख मैं फोन भी ना करूँ और कोई चूं बोलेगा मारूंगा रैपटे। तो मैं तो पीने से फुर्सत ना, तुम पर है नहीं दो बस। हम दवा गलाऊंगे इसे बन्नो। बताओ भाई क्या जमाना आ गया, अब गधे घोड़ी चढ़ेंगे। श्याम जी, आनंद कोई परेशानी तो नहीं आई? हम बस को धक्का मार के आए, बस में बैठ के आया। घनश्याम जी आपका बालक बहुत सियाना। हाँ जी सियाना बहुत है, पढ़ने में भी बढ़िया है, पर दंगा भी बहुत करे। चाचा मेरी ब्याह की बात तो करवा दो। अभी बताऊं तेरे पापा पे। और बेटा खेती बाड़ी ठीक हो रही है? हाँ जी। अरे मेहमान ऐसे बैठे थे, चाय वाय तो मंगवाओ। भानु कहाँ रह गई बेटा, चाय लिया? नाश्ते वास्ते की जरूरत ना, तुम हमें लड़की दिखाओ, हमें जल्दी हो रही है। आ रही है लड़की भी, चाय नाश्ता तो कर लो। हम तो खाए पी के आए थे वैसे पहले। घनश्याम जी, जी लो समोसे खाओ। जी जी घर के ही है। हाँ, और भानु को बहुत शौक है इस चीज़ बनाने का। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बाहर के सिद्धे भी कहने हैं। इतना ऑयली है ना, कोई नहीं खा लेते हैं। तो ये बड़ी लड़की है? नहीं जी, ये लड़का बड़ा है। अच्छा, कभी कभी खेती में मदद करता है। और भानु की शादी के बाद इसी की शादी करनी है। तो जी दो ही बालक है? नहीं जी चार बालक है। अच्छा, छोटी छोरी पढ़ाई कर रही है और बड़ी छोरी की शादी करती है। जोगिंदर बेटा कोई बात करनी तो कर लो भानु से। जी नहीं ऐसी कोई बात ना। नहीं बेटा जीवन भर का साथ है, कर लो कोई बात। नहीं नहीं ऐसी कोई बात ना जी, जब तुमने और पिताजी ने फैसला करा तो तुम सही करोगे। ठीक है बेटा आपकी मर्जी। चाचा तुमने मक्का छोड़ दिया, तेरे साथ तो मैं भी चलूं। जब तू चला जाना। घनश्याम जी चलो आप घर दिखा कर लाता हूँ। चलो। हाँ बेटा तुम भी आ जाओ। लाली तुम यहाँ बैठो, मैं थर लो खाने का इंतजाम कर दूं। ना जी खाना वाना तुम खा गए हैं, आए तू यहाँ बैठ। एक बार चल के दिखाइए तू।
आधार कार्ड में भी आवे है, सारे काम आवे। मेरी दीदी को तो तुम लोग बताओ, हमारे जीजा जी गुस्से वाले तो नहीं है? इतनी सुतरी तो है छोरी है, मम्मी सब कुएं में धक्का देने को क्यों तैयार हो? काहे का गुस्सा और काहे का प्यार? मतलब इसमें इतनी सोचने समझने वाली कौन सी बात है? अगर वो ढंग का होता तो इबला उसको भयाना हो जाता के? अच्छा लाली, समझ गई मैं बात। क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ लाए? अरे जोगिंदर किट्टू ना दिखा, कहाँ है? पिताजी वो मिपनी गैल गया, शायद बाथरूम आते हैं। चलो फिर आ जाएगा। और घनश्याम जी, अब बताओ आपकी क्या इच्छा है? तिलक राम जी बेफिक्र रहो, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं तो नु कहूँ राजा करवाऊ सकूँ। ऐसा कैसे कर देंगे सुगुन? अरे अभी आए हैं, देखेंगे भालेंगे, ब्याह शादी को बच्चों का खेल तो है ना, खानदान भी देखना पड़ा, बालक भी देखना पड़ा है, भाई हम इस चीज का घर जाकर फैसला करके जवाब देंगे। ओए हो रहा हमारा फैसला, चुप रहो। तो चलो तिलक राम जी, चलो आओ आओ। घनश्याम जी जी, आप बैठो, हम तैयारी करते हैं, एक मिनट जरा ना। भानु की मम्मी, मैं ये सोच रहा था लगे हाथ टिक के काम भी निपटा दे मैं। ना कोई जरूरत ना है छोरा, ठीक ना है यो। तुझे क्या लग रहा छोरे में क्या कमी है? उसके भाभी की बातों से लग रहा छोरा बहुत बिगड़ा हुआ है। तू इन्हें जान दे, मैं तुझे सब समझा दूंगा। नहीं मुझे तो अभी बताओ, मैं अपनी फूल जैसी बच्चे को कुएं में धक्का थोड़ा ही दे दूंगी। ज्यादा बकवास तो कर मत, जब मैंने तुझसे कह दी शादी वहीं होगी तो वहीं होगी, चल कर टीका कर। देख ले विकास, कुछ गलत ना हो जा। अरे माँ तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। चल काहे की देर हो रही है, चल क्यों आ रहा है? थम जा, चलेंगे, एक मिनट थमे रहो, अगले कुछ कर रहे कर लेंगे। क्या करवाओगे इनसे? आ जाओ जी, बैठो तिलक राम। वो ठीक ठाक? हाँ बढ़िया। देखा बनाया और रोटी तेरे बापू को भी देनी है। माँ आठ रोटी सारी खाई, चून में से पड़ गया। बताया है बस मैंने? हाँ बैठा दिए, सीट भी मिल गई थी। मैं ना होने दूँगा ब्याह। क्यों? उसकी भाभी साफ साफ बताएगी छोरा ठीक ना है। मैंने अच्छे से जांच परख कर रिश्ता करा है, लड़का एकदम सोने का है। वे क्या झूठ बोल रही है? वे लोग नहीं चाहते इसका ब्याह हो, उनकी नजर इसकी जमीन पे है, ब्याह पाछे जमीन के तीन हिस्से हो जाएंगे, इसलिए वो लड़की वालों के सामने ड्रामा करते हैं। मुझे विश्वास ना है। अरे बूढ़ी बहन के पड़ोसी हैं, उसने बताया था मुझसे रिश्ता, तो चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। कल के दिन मेरी छोरी के साथ कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे तुम। अरे वैसे तो कुछ होना नहीं, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, अब तो ठीक है। देख लो पिताजी, कभी बाद में दिक्कत होती फिर है। बेटा ऐसा कुछ ना है। भगवान धीरे बोल, कर लूंगा, डरा रही है तू। हम तो घर छोड़ के चले आएंगे दोनों, अगर जो आज बात न करी तुमने। ओ देवी कहते रात खा रखा उसने, आन तो देख मेरे। लो आ गया बुड्ढा, करो बात। हाँ जी, हमें एक बात बताओ तुम, करियार उसका ब्याह है, उसकी बहू के खर्चे कौन उठावेगा? ठीक कह रहा है, उसकी बहू का खर्चा भी मंत्री उठेगा जहाँ थरी का उठे। हम तो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह है हमारी, हमारी खर्चे बड़ी मुश्किल से उठे।
बच्चा है, तू भी कह ले जो कुछ कहे। हम अपने खर्चे ठावेंगे, उसके खर्चे ठावेंगे, वो कुछ कमाता धमाता तो है नहीं। थारी तनख्वाह कौन सा घर चल रहा, उसकी कमाई का खा रहे हो तुम, जो वो ना कमावे ना तुम तो कोटे पे चावल दाल ढोते ढोते तेरे पाँव फिर जाएंगे। क्यों, इनकी कमाई से तो इस घर में कुछ खर्चा चलता ही ना है। मुझे सब पता है इस घर के लिए क्या कर रहे, एक बालक है थारे उसकी फीस थारे पे पूगती नहीं, पर थारी टिक्की बिंदी पाउडर बीज डाल के तेल और 20,000 के फोन द्वारा के घड़ी देखने पाती नहीं, जो करिए कह दे बस मान के चल दे, अकल है थारे में। तुम कहना क्या चाहो, ये कुछ ना करते क्या इस घर के लिए। उसकी फीस भी खेती के पीछे मत जा। अरे एक बात और सुन लो कान खोल के, जो टून थरी बहू पे चढ़ रही ना, इवे जोगिंदर की बहू पे चढ़ानी है। वे चीज मारी है, हमने देना बिल्कुल भी। पिताजी के करोगे चीज का, जी भी इनके ब्याह में चढ़ेगी, तेरे में नहीं चढ़ेगी, तू बड़क नहीं मेरा। एक बात और सुन लो भाई सूरज, वे तड़के सांझ लो, वे सारी चीज ले दी। हमने देना बिल्कुल भी, अब जो होता है पढ़ लो। पिताजी एक बात बताओ, चीज चढ़ के ब्याह होके तुम वहां बैठो जो बताओ, ये बुड्ढा भी कहां तक नजर बैठाए बैठा, हमारे ससुराल में रीज की नजर है। मुझे तो ऐसे लग रहा है चीज लाए के दिन पड़ेगी। जो हमारी चीज हमसे दूर हुई ना, हम ना रुके इस घर में एक मिनट भी, चले जाएंगे अपने घर हम तो। तो चिंता क्यों कर रही है, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तुम सही कह रहे हो भाई साहब, हमारी चीज छीनना समझो हमसे सब कुछ छीन जाना। कुछ ना छीनने का एक काम करेंगे, सुनार पर जाकर नकली चीज पर उसको सुनीकरण करा देंगे और उन्हें दे देंगे, हमारी चीज हम पर जाएगी और इस झगड़े से निपट जाएंगे। यो सही रहेगा, मारे से फिर कभी कहेगा भी ना। अरे जोगिंदर तैयार ना हुआ अभी तक? ताई राम राम, राम राम। तैयार कर रहा, कहाँ भेज दिया तू मुझे? बावलिया तेरे हल्दी की रस्म है, तेरे भाभी से कह गई मैं। अच्छा तो क्या हो गया, हल्दी अब लग जाओगी? कहाँ है ये दोनों? नहीं होगी देख लो। ए सीमा मीनू आ जाओ ताई, यही है। कहाँ ध्यान रहा था रा? बताई थी आज हल्दी की रस्म है जोगिंदर की, कोई तैयार ना दिख रही मुझे। अरे ताई थोड़ी सी तबीयत से खराब हो गई थी, बताओ तुम क्या करना। जोगिंदर तू तैयार हो, हाथ मत धो। ठीक है ताई। अब तुम दोनों पल्ली बिछा दो, ढोलक बाहर धर दो, मैं गीतों का बुलावा दे के आऊं। बता ये बुढ़िया तो अलग ही थिएटर करती फिर है। थिएटर? आग तो सारी आग लगा रही है। भाई जोगे बढ़िया तो तेरा हो गया, और मैं बहू भी सुथरी आ गई, मैं ध्यान रहा के भाभी का। तो ध्यान ही रख रहा हूँ मैं, कौन सी टक्कर मार रहा हूँ उसका। अरे यार मैं तो बता रहा हूँ बस, यही बात बतानी जरूरी थी, कुछ और भी तो बता सके। यार कमाल है, तेरे चार फेरे के फिर गए, तू तो बिल्कुल ही बदल गया, इससे तो मेरे जैसा रंड भाई ठीक करते यार। हाँ यही तो बात मैं कह रहा हूँ, तू तो इस बात में राजी था कि मैं तेरे जैसा रहता। तू साफ साफ तेरे कहता है कि दावत में देना। यार ऐसी कोई बात ना, दावत तो मैं दे दूंगा, थोड़ा घना काम सा बच रहा, मैं इस तक पर निमट लूं। किस दिन तेरे घेर में 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चिप्स नमकीन और सारी दावत हो जाएगी, दिक्कत क्यों मान रहा तू? बेटे मजा आ जाएगा, 2 लीटर की तो बोतल आ जाएगी और एक बीड़ी का मंडल। हाँ मंडल भी पी ली, और बता। अरे बहू नाच के दिखा दे।
मौज कर दी तेरे तो लव यू बेटा। सांस की पहली रात पीड़े में बैठ के गुजारनी पड़े। मीनू चल बेटा भीतर चल। अरे मीनू। हाँ ताई। अरे आठ एक दिन को अपना सामान सीमा कमरे में धर ले। क्यों धर लूं? पहले जहाँ सो गया था वहीं सो जाएगा ना रंग में तू। अरे तू तो किसी को समझ ही ना रही। हल्के में रे ताई को। हाँ धर लूंगी पर दो दिन को धर सकूं नहीं तो कह दी छप्पर डाल लेगा। अगर जो ऐसा ना हुआ तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चलो जा मैं देखूं क्या फर्क पड़े। अरे धर लूंगी ताई तू तो बुरा मान रही है। अपने आदमी को सूरज को भी समझा लिए बोल लेना बीच में फिर। ठीक है समझा दूंगी। ए महारानी इबलो नहाई ना आके तू कत्ते बढ़ रही बाथरूम में। दीदी नमस्ते। ए मीनू अब चाय की जगह नमस्ते में लग रहेगी क्या हमें? हमें तो गाड़ी से उतारते ही चूल्हा चौखा सौंप दिया था और इस महारानी के तो फैसला ही खत्म ना होके दे रहे। अब एक काम कर ले झाड़ू लगा के चाय धर ले ये 24 घंटे टिक्के बिंदी में लगी रहेगी। हराम का खाने की आदत पड़ रही है ना। और सुन नाश्ता और टिफिन तैयार करना ये तेरा काम है। और ये बासन पड़े ही नहीं मानती जाइए। अरे मेरे यार ए भाई मेरे यार आज तो आराम कर लेता। जब तुझे इतनी दया आ रही है तो तड़की तू घर आता मैं तुझे यहाँ खेत भेजता और मैं आराम करता। घर छोड़ कैसा रहा अनुभव? काहे का? अरे समझता नहीं है यार पहली रात थी तो। हाँ तो? अरे यार तू मेरे कॉलेज पे फुक के ना सीधा सीधा बता। तो सीधा पूछ तो सही तू। तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। अरे अब तो ब्याह होगा मेरा अब के करवावे तू मेरे पे। बस तेरा कुछ नहीं हो सकता भैया मेरे से जुड़वा दो हाथ मैं चलूं। अरे सुन तो जा भैया मुझे नहीं सुननी बस। अरे सुन जा ध्यान दे शुरू तो बता दूंगा। तैना मेरे से बिना पूछे कमरा दिया क्यों हुआ निकाल ले उसने। ए महारानी चल बाहर निकल तेरे चक्कर में पूरा परेशान रहे सो भी ना पाए हम तो बीमार और पड़ गए। अरे आजा कान में रुई बांध रखी है क्या? विपिन भाई कमरे तो दो दिन की बात हुई थी। दिन क्या ही हो लिए मुझे मेरा कमरा चाहिए। देखो भाई हमारा बेड भी छोटा है और हमारा कमरा भी छोटा है किट्टू पूरी रात सो नहीं पाया ढंग में। जोगे तो अपने रहने का ढंग देख ले हमें बड़ी दिक्कत हो रही है ज्यादा कहेंगे तो फिर कहेगा ऐसे कह रहे हैं इतनी समझदारी तो इंसान में खुद होनी चाहिए। ठीक है भाई सूरज भानु तू एक काम कर फिलहाल अपना बैग बरामदे में धर ले जा। चलो भाई अब तो कमरा खाली हो गया लोग तो आराम से खचाने चलो तुम भी यार भगवान मेरी एक बात समझ में नहीं आई जितने मेरे गैल के थे उनका सबका ब्याह हो लिया फिर मेरे नसीब में रंडवा रहना लिखा के कुछ बनाई ना मेरे कोई। अरे यार
एक मेरा दोस्त है योगिंदर, तभी बहू आ गई। अब रह गया मैं, कुछ सोच मेरे बारे में यार, आपस का मामला। जब भी तो मैं तेरे मंदिर के आगे पड़ा रहूं रोज, सिस्टम ना समझ में आ रहा यार। सोच सोच अब के संबंध में भैया भैया करवाई दे मेरा बोले, ठीक है। अरे क्या तू कहाँ जा रहा? कुछ ना, वो माछरों की दवाई से लेकर आऊँ, वो लोशन सा। वाह बेटे, लग गया लुगाई की नौकरी में तू भी। अरे कहाँ की लुगाई की नौकरी यार, उसने विपिन की बहू ने अपना कमरा खोस लिया, अब बाहर सोना पड़ेगा। अरे तो क्या भाग दूँ डांगरों में सुहावा के? तो डांगरों में ना सुहाऊँ, सुहाऊँ तो छत पे। अरे क्यों बावला हो रहा, छत पे सो जा जाए के, और के करीम परीम के चक्कर में पड़े, मच्छरदानी लगा और मस्त होकर सो जा छत पे कोई देखने का भी ना। अरे मच्छरदानी तो ना हमारे यार, मेरे पे भी एक ही है। तेरा मच्छरदानी है? भाई वाह, तू मच्छरदानी मुझे दे दे। पागल मांग रहा दिखे, बहू तो मेरे पे है ना, मच्छरदानी भी ले जा। अरे यार दे दे, तू भाई ना मेरा। यार मैं तो तेरे सलाह देके ही फंस गया। ओ भैया, मैं तो अपनी सलाह उल्टी ले रहा हूँ तेरे। अरे यार तू एक बात तो बता, तुझे नींद फिर भी नहीं आनी, तू अब मच्छरदानी मुझे दे दे। चल चलिए मेरे भाई, चल आइए। अच्छा फंसा यार मैं, तू वाकई बहुत बढ़िया आदमी है भाई। चल दीदी, दीदी, दीदी नमस्ते। नमस्ते भाई। और दीदी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। क्या हुआ, जीजा ना देखा दीदी? वो तो खेतों पे चले गए। जीजा भी बोलो खेत पे है, घर बार भी चिंता ना? ना भाई ऐसी बात ना है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर का काम कैसे चलेगा? वो भी है। विकास तू बैठ भाई, मैं चाय बना। नमस्ते। विकास ठीक है भाई? हाँ जी मैं अच्छा। और भाई विकास, घर का सब बढ़िया? हाँ जी। है तो भी वहीं खड़ी है, कुछ विकास के लिए बना लो ना। विकास आप तो बड़ा ही हुआ, पिताजी गए हाथ बटवाए कर। मैं हाथ पूरा बटवा रहा, टाइम दे कर। ये मामा है, नमस्ते करो ने। मामा राम राम। अच्छा सोनी कैसी है? बहुत अच्छी है। तू यार कहाँ से आया तू? तेरे बाल के लिए। किटू चल भीतर, तेरे बाल ले आ कर पहले। अरे तू सारा माटी में जरा पड़ा, तुझे दिख रहा था अंदर हो गया था क्या तू? तुम्हारे क्यों हो गए माटी में भाई? माँ है माँ होगी तेरी, तुम्हारा ना बाप बनने की कोशिश मत कर, ठीक है ना? ऐ चल के माँ। बालक तेरे कहीं सनिया में बालक हो गया लगी हिसाब किताब। हाँ दिया दिया। करने लगी? अरे ले आ दूध। ले दूध पियो। मानू एक काम कर, थोड़ा सामान धर ले और जल्दी तैयार हो जा। दीदी आप भी वहीं बैठ जाओ ना। हम ना बैठते हैं ऐसे बेसब लोगों में, जो एक कह रहे की फड़ी का लेके आया हमारे भाई आवे, इतने इतने मिठाई के डिब्बे लेके आवे। अजी लाया था मैं तो, मुझे रास्ते में भूख लगी, अब मैं सोचा खा लूं, घूमते रह लूंगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, देखिए गंजा का कितनी बात मिला रहा, कह रहा इसकी माँ ने भूख कर भेजा था जो रास्ते में खा रहा। तू तैयार हो जा, जा। अपनी माँ से तो पूछ ले। बस बस ये ड्रामे तो देखो उसके। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, काफी हो गया। ले जमा कर लिए ले गई। मैं क्या जमा करूँ, ये टिक्के पत्तों से ठीक है, खाओ पियो उठ के बैठ। चल
चलो चल भाभी हाँ बता के है रोटी ना बनाई बनाई थी खत्म होगी दो रोटी और सेक तो खा के चले जाएंगे खेत में जाना किट्टू का पेपर है पढ़ा रही हूँ मैं उसे वह दूसरी है उसे कह दे बस सेक देगी उसकी भी तबीयत खराब हो रही है तो बढ़िया उसकी तबीयत भी भूखा जाएगा जोगिंदर छह पानी पी जा यहाँ रसी के सीखा मेरे ठीक अरे किट्टू चाय पी ले चाचा अब ना अरे पी ले पीले जा पहनोगे घर अब आपा बनना पहन लेगा तू हैं पिताजी मैं जा रहा हूँ खेत पे अरम दुखी ना हो ठीक है अरे लिए मैं तो भूखा मरेगा साबित दिन तम बना चाय पी तो ली तम रोटी ले आएगा ठीक है चल ठीक है साबित दिन वहाँ आएगा दो रोटी नहीं बनेगी इधर पिताजी नमस्ते नमस्ते लाली ठीक है हाँ पिताजी ठीक है तेरे ससुराल में सब ठीक है सब ठीक है पिताजी और सब बहुत अच्छे हैं मुझे बहुत प्यार करें सब बस लाली मैं भी चाहूंगा माँ नमस्ते लाली आ गई लाली पावना भी ठीक है हाँ माँ ठीक है ए तू यहाँ बैठ मैं चाय हलवा बना लाऊं ठीक है थोड़ा पानी ले लिया मामा जल्दी कैसे है थोड़ी कम बोल चल बैग अंदर रखियो ले जा मोटी विकास भाई माफी बात हाँ मत बताइयो अरे बहन दिक्कत मत ले जो दिन की दस बार रोटी खाता हो उसमें तो दिमाग तो होगा और रास्ता अलग बन रहा अरे माँ जल्दी बना ले किट्टू बेटा क्या हो रहा अरे यार ये रोटी लेके आ रहा एक बाइक पर टक्कर मार गया तो सुपर मैं था वहां मैं फिर से डॉक्टर के लेके पट्टी करवा के लाया हूं अच्छा तो सर घर में छोड़ रहा है अभी घर के मैं तो इसे खूब गई ये माने ही ना मेरा चाचा ने सुबह खाना नहीं खाया मैं तो वही रोटी लेने जाऊंगा ये रोटी लेके ले जा करते अच्छा अरे बेटा अब बैठ अरे रोटी खाओ मुझे तो ना हो रहा देख के चले गए रोड पे है ना
बोलवा। दीदी हाँ किट्टू कहाँ है? वो बाहर चिंटू के पास खेलने गया होगा। अच्छा और तबीयत ठीक है तेरी? ना अभी ठीक सी तो ना है। बात हुई किट्टू को पिताजी में रोक ले जा रहा खेत पे कि मोटर वाले ने टक्कर मार दी इसे। अच्छा गई चोट में सिर में वहां में और पिंटू ले आए थे। अच्छा पिंटू पहुंचा खेत पर ले गए थे फिर तू डॉक्टर ले गया। और क्या हो गया मेरे बच्चे के? मेरे बाल तू मारने का प्लान बना रहे हो तुम सारे? बहुत कुछ सोच कर बोल जा यार। सारी जायदाद चाहिए तो ऐसे बता दो मेरे बाल को मारे तो कम से कम। सीता माँ को हर लाए हो तुम बाबा मन चोरी से तारीफ तुम्हारी तो सुनिए पैसे दिए थे वो कमरा बनवा दे इस बालक का ना कमरा बना ना कुछ जवाब दिया कहाँ है पीछे वो पैसा साड़ी तो मेरा दो है पर एक कभी हो रहा एक है कवाली। ठीक है बड़ी बात मिलते एक ही तो चाहिए पर मैं मुझे लेके चली अरे कहाँ ते ले चलूँ तुझे ससुराल मेरा जुगाड़ होना रहा भाभी तो इतनी बढ़िया है ना वे कहते हैं जाकर अपनी बहू को लिया ना पिताजी कह रही देख मैं बात सुन पिताजी कहो या न कहो जाऊंगा तो जरूर ठीक है पराठी तोड़ के देखने से कहता हूँ तो मर जा बात सांप भी मर जा लाठी में लूटे कह तो तू सही रहा। चल मैं चलता हूँ अब। हाँ अब मैं पिताजी बाड़ी बोलेंगे। हाँ ठीक मानो जी बाड़ ठीक चलो बोलेंगे ठीक। भगवान करे मेरे में क्या कंप्लीट हो जाए बढ़िया रहेगी बात। नहीं बाकी चुके पढ़ गया तू आज स्कूल में खूब पढ़ गया बस बाबा कहानी सुना। कहानी सुनाऊ सबसे बड़ी कहानी और सबसे बढ़िया कहानी यह है बेटा तू स्कूल में जाना एक तो किसी के लेडी है ना ठीक है जो लड़ता नहीं वो ज्यादा पढ़े और फिर उसकी नौकरी लगे है ना तो ना तो अपनी मम्मी के ले देख रहे ना स्कूल में किसी के ले लिए और ना यहाँ गांव में भी तू कई बार रोड़ा कर जा ठीक है ना तो लेडे नहीं करते है लड़े तो नहीं तू किसी के। अरे किट्टू तू कहाँ चला गया? अभी आया मम्मी बाबा मैं यहीं सोऊंगा आपके पास। नहीं बेटा जा देख तेरी मम्मी बुला रही तुझे चले जा नहीं फिर पीटे की बात है और पेट लिए आ जा भाई गेट डेन कर दिया कहीं ना ही पीट हो गया बैठा था कहीं भी बैठे हो टीम के सीधे अपने घर आ गए तब मैं बताओ तुमने रोटी खा ली? हाँ मैं तो खा ली बेटू कहला ना ना उका नहीं पीता मुझे मैं रोटी खा ले तू भी। अरे एक बार बोलता हूँ तुझे कई दिन हो जैसे बहू को गई को मुझे तड़के बड़के जाके ले जा कर तड़के जाके ले जाइए तू सर
संकल्प तो आई जाओगी, अपना आप खाओगी भोगा रोटी। अच्छा तुझे बहुत पता है खाया रोटी है? अच्छा एक बात तो बता, तने दूध पी लिया? हाँ। और तू सोया नहीं अब तक? अरे किट्टू तू कहाँ चला गया? मैं भी आ रही हूँ। बड़ा खराब दिए। अरे यार फल वाले भी नाश तो। अरे भैया आज है कोई फल वाला ना है? भैया आज मौसम हो रहा खराब, आज मुझे ऐसा लग रहा कोई बिना फल वाला यहाँ। अच्छा खैर तुम नू बताओ सामने जाने वाली बस किस टाइम लो आओगी? भैया लास्ट है, इसी में चले जाओ आप। अच्छा अरे मैं तो यहीं रहकर देखूं, भाग ले भाई।
ही लो। तू कुछ पागल है? क्यों धमका रही है? बिना धमकाए कोई काम कर रहा है यो? जा रही हूँ। है या भी पूरी लड़ाक का? अरे माता जी, आप भी बैठ जाओ ना। तुम बैठो, मैं अंदर खाना बना लूं। जा माँ की मदद कर दे, जा ना। जा रही। एक काम करना, जल्दी अपना बैग उठा, चलना घरू। ठीक है, मैं सामान पैक कर लूं फिर चलते। अरे मेहमान। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। इतनी जल्दी क्या है जाने की? बस पिताजी, तुम्हें तो पता खेत क्या रहा काम ना, वो भी जरूरी है। बेटा जल्दी आओ, लेट हो रहे हो। बेटा बाहर विकास खड़ा, वो छोड़िए। ठीक है पिताजी, खुश रहो। पिंटू, ओ पिंटू। अरे तुम ऐसा बात मत करो यार। ये बात होगी यार, तू तो बहुत गद्दार आदमी है यार। अपने आप ही चला गया, मुझे छोड़ दिया, मैं तरसता रहा। तन्ने बचपन की यारी एक सेकंड में दे मारी यार। यार एक बात तो बता, जब मेरे पे किराया है नहीं तो तू मुझे कैसे ले जाता? नू बता यार, तेरी ससुराल जाने के चक्कर में मैंने भैंस देख दी, गाड़ी में चलते ऐसी बात की। तो यार तूने पहले क्यों बताई? एक काम करेंगे, अब चलेंगे ना तो मैं तुझे पहले बता दूंगा। चल छोड़ सारी बात, तू एक बता, सोनी के कह रही है मेरे बारे में? सोनी? और सोनी भी तो नू कह रही थी, नुके उनसे पिंटू भाई साहब का मिलने का भौजी कर रहा है। और वो भी कह रही थी मुझे अपनी गैर ले चलो, पर फिर मेरे पे किराया ना था। तो एक काम करेंगे, ये बहस बिक जाएगी, एक बार फिर चलेंगे। हाँ फिर दोनों घूम का आऊंगा, दिक्कत की मान रहा तू। मिलान तू भी नहीं चलेगा? हाँ हाँ, अठाई का उसे भी ले आऊंगे फिर। हाँ यू ठीक रहेगा, सेटिंग बैठ जाएगी हमारी। बैठ सके वैसे, तेरी बात बन सके। अब तो रहूंगा, चल खेत में होगा हुआ, ठीक है ना? पर चलेंगे किस दिन में? बो बो बो, ठीक। इतने में भैंस का इंतजाम कर लूं बेचने का। भैंस को तो तू बेच दे, बेसक बेच दी। ठीक, बेच दूंगा। तू 600 लियो, क्या बननी हो रही? कोई नहीं, तुझे बेच के ठीक रहेगा, वीर बननी तो आओगी। भैंस बेच के वीर बननी आओगी, भैंस बेच के वीर बननी आओगी, वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया रहेगा। देखो दीदी, इसकी माँ ने क्या ला के भेजा, हमें तो दिखा भी ना रही। दिखाओगी तो जब जब कुछ लाई हो। इसकी माने तो किट्टू को भी कुछ ना दिया ब्याह में। गई तो ऐसे है जैसे हीरे जवाहरात लेके आओगी मारे आगे। अकड़ बहुत है इसमें वैसे। दीदी ये लो मिठाई, मम्मी ने भिजवाई है। बांस मार रही है इनमें, ले जाने ठाके। माँ ने भिया के बचे हुए लड्डू से काम चला लिया। ठाके ले जाएंगे, मूर्ति खड़ी मारे आगे। महारानी के नखरे तो देखो, और वो तो एक ढेले की बिना है। आगे मारे छाती पे है दाल दलन। हमें खवाओगी लड्डू सड़े हुए। चली जा यहाँ से। Thank you.
पिताजी को क्या हुआ? देखना पड़ेगा। पिताजी पांडलिपि, पिताजी तबीयत तो ठीक है? पानी लो, पानी लो, पानी लो। कोई दवाई ना रखी क्या बुखार की? सिर पूरा तप रहा, दवाई तो कोई ना। तो तुम एक काम करो, भैया को उठा लो और मोटरसाइकिल से जाके पिताजी की दवाई ले आओ। सही कह रही है। सूरज, ओ सूरज, सूरज, ओ सूरज, अरे भाई उठिए एक बार। पिताजी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कमर बांध दे। कहाँ रह गया भाई सूरज? अरे क्या हो गया? अरे मोटर चाबी दे एक बार, पिताजी का बहुत तेज बुखार हो रहा है, दवाई ले आऊं जाके? यहाँ कोई पंचायती मोटरसाइकिल ना है, मेरे दहेज में आई है, मेरे बाप ने दिए या किसी अरे गहरे के लिए ना आया? वो बाप तेरा बाप हो गया, यू तेरा बाप ना है, देख ले के कह रही है या? ओ भाई यू कुछ ना कह रही, बात का बतंगड़ तो बनाओ मत, मोटरसाइकिल में तेल ना, और तुझे फिर भी ले जानी तो धक्का मार के ले जा, लिया दवाई, चल भैया। तू जान लेना। ठीक है ले आइयो, पर पहले पिताजी की खट छावे में करवा दो, मौसम भी खराब हो रहा है, इनकी तबीयत भी खराब हो रही है। ठीक कह रही पिताजी। हमारे गांव वाला डॉक्टर है ना, वो तो जा रहा था अपनी ससुराल, फिर पड़ोस के गांव में गया, वहां मेडिकल ढूंढा, फिर उसके घर गया, जब जाकर दवाई मिली और फिर बारिश आ गई। अब तबीयत कैसी पिताजी की? उल्टी तो हुई ना तब से, बुखार के लिए मैंने पट्टी रख दी थी, और वैसे खांसी में भी आराम है, मैंने चाय भी बना के दे दी थी इन्हें। अच्छा यू तो तने बहुत बढ़िया करा, और हाँ दवाई भी चाय थी देनी है, ले दवाई दे दी तू पिताजी। कोई नहीं, मैं फिर बना दूंगी चाय। जोगिंदर बेटा क्यों रात को वीरान या तड़की देता? भानु तू एक काम कर, ये चाय लिया, पिताजी दवाई दे रही है। हाँ जी मैंने अभी बनाई थी, मैं भी लिया जल्दी। अगर दवाई तो ली थी मैं भी, जल्दी उठ जा तू क्यों? पिताजी एक बात तो बताओ, तुम परेशान ना हो, बिल्कुल आराम करो, जब तुम ठीक रहोगे जब तुम ठीक रहोगे। खड़े हो गए भानु बेटा, जा तू भी लौट जा, समझ रात लग रही है। जोगिंदर लौट जा बेटा, तू भी समझ रात अंडे धक्के खाता। पिताजी आपके लौटूं? अब तो तीन तो बजी लिए, सानी करूंगा, दूध काट दूंगा और फिर खेत में जाऊंगा। अरे चला जाइए, थोड़ा आराम तो कर ले, सब दिन लगे रहे। तुम आराम कर लो बस।
मन तो ऐसा कर रहा है ऊपर आके इसकी खार पलट दूं कामचोर कहीं की। दीदी वहां आई कहां है अभी? साहब जादी आराम फरमा रही है, दीदी बुलाओ तो जरा उसे। ए साहब जादी आवे है नीचे या हम ही आवे ऊपर? काम पड़ा है सारा यहाँ। दीदी वो रात पिताजी की तबीयत खराब थी ना तो जागना पड़ा, सुबह 4 बजे सोए इसलिए आंख ही नहीं खुली। ये बहाने मुझे मत बतावे। और हाँ ये जो सारा काम पड़ा है सब कौन करेगा? ये रोज रोज के बहाने ना चलेंगे 10-10 बजे सो के उठने के तेरे। दीदी पता नहीं कैसे खानदान किया, रातों को दोनों मियां बीवी दांत फाड़ते रहे और सुबह 10 बजे से पहले उठने का नाम नहीं लेती। ए नौकर समझ रखा है, पीहर में जाके ऐसे बैठ गई जैसे इसका भाभी नौकर छोड़ गया मोहल्ले काम करने के लिए। भाभी एक बात तो बता, कौन से काम ना करती है यार, जब तो आई है जब तो लगी रही है। हमें देख रहा है तू कितना कमेरा है या कितनी कमेरी है। चल मेरा तो मैं खेत में काम करूँ तुझे ना पता होगा, पर यह तेरा आगे काम करे तो दिखती होगी। अब क्या कहना चाह रहा, हम अंधे हैं, दिखता ना हमें कुछ, अंधे हैं हम तो। भाभी तुम तो गलत समझ रही हो, या कौन सा काम करने को मना कर रही है, या खूब काम करेगी। फेवर में बोल रहा है, लुगाई का गुलाम हो रहा है गुलाम। अरे कैसे तड़की तड़क घर सर बैठा रखा है, काम ना करती कुछ भी महारानी। अब आई है 10 बजे अटारी पे से उतर के। तो ठीक है ना, इसमें कौन सी नई बात है, अपना अपना करो, खाओ पियो मौज लो, मरन तो बाहर में जानते सबको। आ जाओ बाइक लेकर। चल तू भी भीतर निठल ले तो। चल तू काम कर ले, मैं भी डांगरों को देख लूं। ठीक धन्नो, पर तेरे भी राड करने का जी कर है के खुट 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 बैठ जा आराम से, सारी एक सी हो रही है। अरे पिंटू क्या बात हुई, कैसे भगवा आ रहा यार? तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो पहले घर को चल। यार पिताजी को दवाई दुआ का तो आया था, पता ना दवाई लिया कि ना। चल के बात होगी ना राम, रात की तरह बदन तप रहा है इनका। फिर दवाई ना दी? सुबह तो देगी थी, अब खाने के बाद देती। इस बुड्ढे को देख रही कमाई आती हुई, अरे हमारे आदमी कमाए जाएंगे। अरे यो नू सोच रहा जब तक वो पैसा खत्म ना हो लेगा ना इसका चैन नहीं पड़ सकता। घनी कमाई कमाई कर रही है, करी दवाई पिताजी को 1 रुपए की दवाई, इस घर का सारा खर्च खेत के आर के पैसे चले, समझ गई ना? हम पे तो इतना क्यों भड़क रहा, लगा पैसे दुआ दवाई, देखेंगे कितनी दुआ होगा। तो मैं कौन सा थार से पैसे मांग रहा हूँ? मांगने की औकात है तेरी, कदी करके खाया देने, खेत में जाके लौट जाऊँ कमरे में। घनी फालतू तो बोल ले मत ना, जब इतने चली जा, पिताजी वैसे बीमार हो रहे हैं। हाँ क्यों करके खवा रहा तू हमें, क्या करेगा हमारा? पिताजी तुम खड़े हो, मैं तुम्हें दवाई दुआ कर लाऊ। खड़े हो तुम, मैं तुम्हें दवाई दुआ कर लाऊ। ये मर जा तो कलेसी कट जा, ये बन रहे हेजले, मैं भी देखूं कर लो दिखाऊंगे। घनी फालतू मत ना बोल ले। क्यों क्या करेगा तू है? पिताजी चलो तो कलेसा कट जा इसका। चिया पीले 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 ना पीवे। बेटे भैंस को पानी पिला रहा हूँ। चाचा हमारे घर में इतनी लड़ाई क्यों होती है? बेटे जहाँ प्यार होता है ना तो वहाँ लड़ाई भी होती है।
चाचा मुझे इतना पागल मत समझ। चाचा को इधर रास्ते निकाल जिससे अपन अलग ना हो पाए। बेटा तू चिंता मत करे, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। चाचा ऐसे क्यों होता है? बेटे जब इंसान के मन में गलतफहमी आ जाए ना, तो उसे अपने भी दुश्मन दिखाई देने लगे, और जब तक वो गलतफहमी मन से ना निकलती ना, कुछ भी ठीक नहीं होता। खैर तो चिंता मत करे, मैं ऐसा कभी ना होऊंगा मेरा प्यारा बेटा। ऐ भाई तू एक बात बता, तू इतनी आड़ करे और स्कूल नहीं जाता? चाचा मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता। मन नहीं करता? नहीं तो पूछ रहा हूँ स्कूल जाने का मन क्यों नहीं करता? आपका क्यों नहीं करता था? यह बात तो खैर आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई, अगर मेरा मन क्यों नहीं करे था। तू एक काम कर, डेली स्कूल जाकर पढ़े करे, और जो क्लास में बालक हो ना उन तभी ना लड़े करते हैं, ठीक है ना? अरे तुम दोनों कहाँ चले? हम हमारे घर छोड़ के आओ अभी। के बात हो गई? जब यू पीट के हमारे हाथ पैर तोड़ देगा ना, जब पूछे तुम यू क्या हुआ? बहु बिना मतलब की बात क्या क्या, घर में झगड़ा ना करवाओ। अब तो बड़ा बोल गया तू, जब तो ना बोल रहा जब यू हमें मारने को चढ़ रहा था। इसकी इतनी हिम्मत तो हमें मानने चलेगा? ओए सिर छोड़ देगा, मान जा। मैं पापा चाचा की कोई गलती ना है, छोड़ दो। चुप हो जा तू। ओए बालक को धमकाने की कोई जरूरत ना समझ गई ना? हमारा बालक हम धमको में कुछ भी कहना, मगर तेरी क्या तो हिम्मत हुई इनसे बुजुर्गी करने की? तो भाई साहब बालक को ऐसे डांटोगे? वाह देख ले इसे, जिसके मुंह में जवान न थी इतनी जवान निकल रही है इसकी। भानू आ तो सूरज के आगे बोल गए, आज के बाद में जवान मत काट दिए। तेरा इलाज तुम्हें बांध दूंगा। तू भाग जा बीच में से, ये पैसे ले घोमचे में। छोड़ दे, सुन ले बुड्ढे, बहुत हो गया ये और बर्दाश्त से बाहर है, या तो इस घर में यू रहेगा या फिर हम रहेंगे। यू क्यों रहेगा, हम रहेंगे, इसने क्या करा घर में अब तक? जोगिंदर तो मान जा मेरी बात, लेके अपनी बहू को चले जा कहीं। सो मेहनत मजदूरी है करण को जीन खतर, क्यों यहाँ इनके जूते खान लग रहा? कत्ल कर देंगे तेरा किसी दिन, ये तू सिमंता नहीं इस बात, मान ले मेरी बात। मैं कह रहा था तुझे, मैं तुम्हें छोड़ रहा कहीं नहीं जाने का, मैं यही रहूंगा थारे दौरे। अगर इनकी बहू की जवान पे लगाम लग जाना तो किसी को जानो कहीं जरूरत नहीं। जोगिंदर मुझे कुछ नहीं हो रहा, तू मान ले मेरी बात, चला जा, चलेगा अपनी जान का देख के होगा। बाबा प्लीज चाचा को कहीं मत भेजो। सीमा ले जा अंदर, और तू भी चल। चल अंदर। हाँ भाई बंद कर दरवाजा। जो कुछ हो गया होगा, दुखी ना हो, इसे लेकर चलो। फादर रहेगा तो नहीं, किसी दिन आपका तलोड़ा है। पिताजी मैं कहीं नहीं जाने का, मैं छोड़ गए। तू मान ले मेरी बात, मेरा कुछ नहीं हो रहा, तू चले जा। तुम रोटी खाओ। खाली मैं रोटी, रोटी खाने का ढंग है यहाँ से कुछ? मन ने तू भी नहीं पर। जब पिताजी ने रोटी लेगा तुम वहां बैठो, रोटी खाओ आराम से, खड़े हो बैठो वहां चल के। खड़े हो जाओ, बैठो वहां चल के। रोटी खा लो बैठो, अब मैं बढ़ावा हूँ लाड। नहीं जाऊंगा मैं पिताजी को छोड़कर, भाई तो ऐसे कि वो पिताजी को दवाई तक भी नहीं देंगे। फंस गया तू जोगिंदर, एक तरफ तेरी बीवी की उम्मीद है कि तू उसे खुश रखेगा, और दूसरी तरफ तेरा लाचार बीमार बाप, अब क्या करेगा तू?
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। तू अगर कुछ कर सकता तो कर लेता, तू ऐसे बैठ के यहाँ रोता ना। मैं खत्म कर दूंगा इन सब दिक्कतों को। इस घर में तो तेरी कोई जगह ही नहीं है, तेरी जिंदगी तो बाहर ही लिखी है। तू होता कौन है सब कुछ बोलने वाला? ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। जोगिंदर बेटा इसका एक ही तरीका है। तू घर छोड़ के चला जा, कहीं बाहर रह ले, वे भूल के तू उनका भाई है। मान ले मेरी बात, पादे में रहेगा। पिताजी, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे चला जा? जोगिंदर बेटा देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तेरे घरवाली भी तेरे तक बंदगी है, उसके भी कुछ काम है, वो तेरे ही सहारे है, उसकी खातिर भी तो कुछ करेगा तू। उसके लिए तो मैं घर रहकर भी सब कुछ कर सकता हूँ। बेटा कभी परिस्थिति इतनी खराब हो जाए कि कर रहे के कुछ भी नहीं होता, बाहर रह के सब कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति ना होती तो मैं तुझे घर छोड़ने को नहीं कहूंगा। पिताजी, कैसे चला जाऊं पिताजी को छोड़ के? अब तो उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती। मन तो मेरा भी नहीं है यहाँ से जाने का, मैं चाहती हूँ कि मैं भी पिताजी की सेवा करूँ। और किट्टू, किट्टू तुम्हारे बिना बिल्कुल आधा हो जाऊंगा। हमें भी बहुत याद आएगी किट्टू की, वो तो सारा दिन हमारे धोरे खेले था। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूं मैं तो बहुत बुरा फंस भी गया हूं। अब पिताजी की बात सुनो या अपने मन की बात सुनो? अब परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगर हम यहाँ रहेंगे तो पिताजी की परेशानी और बढ़ेगी और वो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। आप उनकी बात मान लो, वो हमारी फिक्र करते हैं। चलो सुनो जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बता। मम्मी पापा के घर चलते हैं। अरे यार, मारा भाजा ना सही नहीं रहने का। तो फिर मेरी दीदी के घर चलते हैं, जीजा जी हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। सोचो मत, अब चलो बस। चल। अरे कौन है, आजा। नरेंद्र का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता, आजा कुंडी खोल के। जीजा जी नमस्ते। राम राम जी। अरे भानु, तू इतने रात में, सब ठीक तो है? कुंडी खोल के बैठ बैठ। बस सुनीता। अरे भानु, तुम इस टाइम? दीदी नमस्ते। नमस्ते भानु, तू ठीक है? हाँ दीदी ठीक हूँ। जीजा जी नमस्ते, ठीक है आप? नमस्ते, ठीक हूँ। अरे भाई, खाना वाना बना ले जाओ। ठीक है जी। चलो दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। और रिश्तेदार सब ठीक ठाक? अजी ठीक ठाक होते तो यूँ गैर टाइम धक्के खाते फिरते, बस समय बहुत खराब चल रहा है। अरे परेशान मत हो, एक नीट पैक मार और समस्या यूं जाएगी कुंडी खोल गए। अजी मैं शराब नहीं पीता।
मुझे परेशान है तुम। देख भाई हमें दे सांझ को 7 बजे से और सुबह को 7 बजे तक हमें कोई समस्या छू कर भी नहीं जा सकती कुंडी खोल के, और हमारी वजह से गांव में किसी को समस्या हो जा तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, पर हम उसे भी देखते हैं सुबह को कुंडी खोल के, समझ गया? ले ले चलो भाई, फिर रोटी खा लिया तू तो, मैं तो ले लूं। हाँ जी आप ले लो। ये तो ले ले किट्टू, ले बेटे दूध पी ले। मुझे नहीं आ रही हूँ। चुपचाप दूध पी ले, मुझे पता है तो क्यों नहीं पी रहा। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीना। नहीं पीना तो मत पी, ठीक है? बेटा ठीक हुआ जो हुआ, कम से कम पीछा तो छूटा। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। मैं तो अब ये कह रही हूँ कि जमीन अब अपने नाम करवा लो। हाँ ये ठीक रहेगा, टाइम से यो काम हो जाएगा तो ठीक रहेगा। एक बात याद आ रही है, ध्यान से सुनो। वहां बैठकर जगे जिंदगी भर करता रहेगा मलाल, सूरज ने चले ही है कुछ ऐसी चाल। तो मेरे रिश्तेदार कितने जमीन है धारे पे? जमीन है जी 7 बीघे, 4-5 बीघे बटाई पे ले रखी है। बस 7 बीघे जमीन है तो सारी खेती तू अकेले ही करता होगा? हाँ जी मैं अकेले करूँ यार। हमें देख सारा काम करते नौकर चाकर कुंडी खोल के, भाई लगता मूज। अरे रिश्तेदार तू परेशान मत हो गया यार, जब तक तेरा मन करे यहाँ रहे खेती वाली देख और मौज ले कुंडी खोल के। अच्छा चल एक काम कर, तब तक ट्रैक्टर पर कपड़ा मार दे। देखो कुत्ता तू एक दिन खा के मरेगा। मम्मी थोड़ी सी और होते दे दो नमकीन। वो तो सारा दिन छकता ही ना है, तू भी ऐसी होली उसके साथ में, चुप बैठी रह। हाँ जी क्या
बात हो गई? कैसे परेशान हो? अरे भानु को लेकर परेशान हूँ। हाँ वो तो चलो, भानु पाहुने को लेकर सुनता के चली गई। हाँ नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते दोनों को। ना नरेंद्र उनका कुछ ना कुछ जुगाड़ करवा ही देगा रहने का। मैं पहले ही ना कह रही थी मत करो यो ब्याह, जब तो मरने ना हो गई ना वही बात जिससे डरता। परिवारों में अक्सर ऐसी बात हो जाया करे। जोगिंदर भानु के साथ है और भानु भी जोगिंदर को पाकर बहुत खुश है। पर दुख तो वो भरी रही है, मेरी फूल जैसे बच्चों के साथ देखियो क्या हो रहा है। क्या बात है मेरा किट्टू बाबू, कैसे नाराज हो रहा है? तूने खाना नहीं खाया, तेरी मम्मी नाराज हो रही है, गुस्सा नहीं होते मेरे लाल? रोने दो इसे, ये उस पागल के चक्कर में पागल हो रहा है। नहीं खाना खा रहा तो मत खाने दो। रिश्तेदार तू चिंता मत करे यार, देख खेती बाड़ी तो तू देख ही रहा, मैंने भट्टे पर बात कर ली है, मेरे दोस्त का भट्टा, तुझे वहां भी काम दिलवा दूंगा, वहां भी इट्टा पात लिए। परेशान ना हो तू। भानु मैं अभी आ रही, तब तक तू खाना बना लियो। जी दीदी। जोगिंदर ले यार सिगरेट ले गए दुकान पर से। अजी मुझे तो यहाँ दुकान का भी नहीं पता। अरे यार जब यहाँ रहेगा काम करेगा तो दुकान का भी पता करना पड़ेगा ना। लिया चल। भानु जीजा जी छोड़ दो मेरा हाथ। अरे सुन तो, तू मुझसे दूर दूर क्यों भाग गया? जीजा जी छोड़ दो हाथ। अरे साली ना है तू मेरी, देख तुझे काम दे रखा, उसे काम दे रखा, ठीक है रहने को जगह दे रखी है, अब तू साली है मेरी, इतना तो मेरे लिए कर ही सके तू है? जीजा जी छोड़ दो मेरा हाथ। ऐसा कैसे छोड़ दो, सुन तो राम जाती मुझे धक्का देगी तू है, अभी दिखाऊंगा तुझे सब कुछ, मैं कुंडी खोल के है। नरेंद्र मेरी इतनी हिम्मत कि तू भानु के साथ बदतमीजी कर, अरे रिश्तेदार छोड़ दे आज के बाद तने अगर भानु की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंख काट लूंगा, समझे? अरे जोगिंदर आज सिगरेट की डब्बी तो दे जाता, चला पड़ी मेरा तुम भी खोल गया। पानी जब सर से ऊपर हो जाना तो आदमी को बहुत कुछ सोचना भी पड़े, समझना भी पड़े और करना भी पड़े। उन अपने को प्यार की खातिर अपने भाइयों के लिए मैंने आज तक क्या क्या ना करा, मेरे प्यार के बदले मुझे क्या मिला, बस नफरत। वो माँ बाप जिंदा होते हुए भी सब कुछ देखते हैं पर फिर भी नहीं कह पाते, अपनों का वो साथ चाहिए मुझे, वो प्यार चाहिए मुझे, बहुत फिक्र है मुझे अपने अपने परिवार की। अरे अपनी फूल जैसी देवी जैसी पत्नी का अपमान सा सिर्फ प्यार और साथ के लिए। अब कहां जाएगा तू? कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। नहीं तू कहीं नहीं जा रहा,
तुझे काम और रहने की जगह चाहिए ना, उसे मैं ही इंतजाम करा दूंगा। मतलब? मतलब तू शहर ही जा सके है ना, पता तुझे कितनी महंगाई है, ना तेरे पास पैसे हैं, ना तू ना वहाँ रह कर कमा सकता तू। भाभी आप ही समझाओ ना सर, यू है सीधा आदमी, इसका कोई भी बेवकूफ़ बना देगा शहर में, और इसे खेती के अलावा कुछ आता ना। अब मैं क्या समझाऊँ इन्हें, मुझे पता है कि मेरे पति खुद बहुत समझदार है, अब ये जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, अब तो ये जहाँ जहाँ मैं इनके पीछे पीछे। यार तुम समझ नहीं रहे बात को, तू क्या कहना चाह रहा है साफ साफ बताना। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, बैठे वाले लाला का मकान खाली है, उसने मेरे से कई बार कही भी है, उसका भी दरवाजा खुल जाएगा और वहीं तू नौकरी पे लग जाइए, तुझे रोज के रोज पैसे देगा और आदमी बहुत भला। अरे अब बुत बन के क्यों बैठा है, चल मेरी सेल। अरे यार मैं तो हूँ परेशान, तू मेरे चक्कर में क्यों परेशान हो गए? अरे तू यार है मेरा, अगर ऐसे में मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा तो कहे की यारी यार, चल खड़ा हो। आ जा, टेंशन मत ले, आ जा। पुत्र वियोग में महाराज दशरथ मछली की तरह तड़प रहे थे। हाँ जी कहिए। अरे ये वो डॉक्टर साहब हैं, वो किट्टू की तबीयत खराब हो रही है ना, उसे देखने आए हैं। आइए डॉक्टर साहब, बच्चा अंदर है। आओ वकील साहब बैठो। आप तुम बुड्ढे की टेंशन मत करो वकील साहब, तुम बैठो मैं चाय लेके आ रही हूँ। और सुनाओ सब बढ़िया है? बस जी बढ़िया साहब। आओ अंदर बैठ कर बात करेंगे, विपिन भी अंदर ही है। ठीक है जी। अरे विपिन, अब बताओ जी क्या बात है? वकील साहब हम तीन भाई, बिचला वाला भाई जो है वो हमसे न्यारा रह रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मेन बात बताओ। मेन बात ये है, हम चाह रहे हैं कि हमारी तीन हिस्से की जगह दो हिस्से में बढ़ जाए। इतना आसान नहीं है, अभी जमीन तुम्हारे पिताजी के नाम है, अभी वो जिंदा है। किल साहब हमें पता ही आसान काम नहीं है, छोटे मोटे केस तो हम वैसे सुलटा ले में, और अगर आसान होता तो हम तुम्हें क्यों बुलाते। वकील साहब हमें पता है आसान काम तो तुम बिना पकड़ते। फिर तो मेरी फीस का ही पता होगा तुम्हें। वकील साहब तुम फीस की चिंता मत करो, बताओ कितने पैसे देने हैं आपको? 1.5 लाख रुपए लूंगा पूरे काम के, वो भी एडवांस, 15 दिन में जमीन आपकी। तो ठीक है, आपके पैसे फिर कल पहुंच जाएंगे, क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल कल पहुंच जाएंगे। ठीक है तो जी फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार वकील साहब। ठीक है साहब, नमस्कार। भाई तेने कह तो दी 1.5 लाख का इंतजाम कैसे होगा? अरे एक बात बताओ, वे जेवर रखे हैं वे कहाँ जाएंगे, काम आ जाएंगे? अरे जेवर तो मेरे भी धरे, पहले तुम जमीन का निपटारा करवाओ, जेवर तो फिर आ जाएंगे। भाई ये बात तो सही है, जेवरों से तो हम तुम्हें ला ही देंगे जब जमीन आ जाएगी। 9 लाख का बनवाऊंगा आपका। हाँ जमी देख घर देख भाई, शहर जाता है तो दुखी रहता, यहाँ रहेगा सुखी, क्योंकि यहाँ अच्छा बुरा देखने के लिए हम भी हैं। फिर भाभी ठीक करूँ मैं? हाँ भैया। अरे एक काम कर, ये ले 500 रुपये तेरे काम आऊ, और इनका कुछ खाने पीने का सामान ले। रहने दे, पैसे तो है मेरे पे। अरे यार तू भूल गया, मैं नहीं भूल रहा, पिछले साल मैंने 1000 रुपये लिए थे तेरे से जब मेरी भैंस बीमार हुई थी, रख ले। तो के बात होगी, तू दूध भी तो पियाई कर रहता भैंस का। ये सब बेकार की बात है भाई, अभी मेरे पे 500 रुपये हैं, और कल चलेंगे बैठे वाले बढ़िया दौरे, नौकरी की बात कर लेंगे। ठीक है, और मैं चल रहा हूँ, तू खाने पीने का सामान लिया, अब तो शाम हो गई। चल चल ठीक है भाई पिंटू। ठीक है, ठीक है भाभी। हाँ मैम, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए मैम। ठीक है ठीक। अभी बाबा अभी लाया। अरे मर गया रे, हाय राम। मम्मी बाबा को बुखार हो रहा है। तो बेटी मना कर दिया क्या? बुखार है मम्मी, गर्म पानी कर दो दवाई खिलाने के लिए।
बेटा मैं सब्जी काट रही हूँ, अपनी चाची से कह दे वो कर देगी, जा ऊपर है। चाची बाबा के लिए गर्म पानी कर दो। मैं ना खून पानी से लगा रखी, जा मैं ना आती अपनी मम्मी से कह दे। दवाई घर रखी? नीचे कमरे में पड़ी होगी, जा ले जा। लो बाबा। बेटा आराम हो जाएगा, मिल गई तेरे हाथ की दवाई। दीदी अब लो नहीं आए, घड़ी बार सी हो ली। ए आ जाएंगे, तेरा भी दीदा ना लगता। मैं तो ऐसी कह रही थी, चिंता सी हो रही थी मुझे। ले आगे। हो गया काम? हाँ हो गया काम। अरे तारा चंद सुनार पे 170,000 रुपए चीज भी की थी, 1.5 लाख तो वकील को दे दिए और 20,000 रुपए लिया मैं घर को। ले रख ले। सही करा तुमने, अब तो अपने नौकरी भी छोड़ दी, अब तो जमीन नाम आते ही 2 बीघे बेच का अपना काम करेंगे, नौकरी में ना देना कुछ भी। सही बात है, जब अपना काम कर सके हैं तो दूसरे की नौकरी क्यों करें? अब कोई दिक्कत ना आने की हमें, अब दिक्कत तो उस गवार को होगी। आप सब लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। पानी लेइए पहले। पिताजी के कर रहे हो तुम? यू चाय बना रहा। के लेना आया तू यहाँ? अपने पिताजी को देखना आया हूँ, यहाँ खड़े हो, चाय में बनाऊंगा, यहाँ बैठ। तेरे घर में कुछ लेना देना ना? क्यों आया? मैं कुछ लेने आया, अपने पिताजी को देखने आया हूँ। पर थार पे तो पिताजी का ख्याल भी नहीं रखा जाता। इस बुड्ढे को तो जब भी अपन चाय पीते दिखेंगे ना, जब ही आग लगेगी, जब ही भगोना लेकर चलेगा, जब ही तो पूरा मोहल्ला कह रहा है कि बुड्ढे को चाय न देते, कॉफी न देते, पानी न देते, दवाई न देते। अरे ज्यादा बड़ी चिंता हो रही है ना, तो इस बुड्ढे को आराम से ले जाओ, खूब पिज्जा बर्गर खुलाइए, होटल में ले जाएगा। लेके जाऊंगा, क्यों ना लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा। पर थार तेरा बेशरम आदमी, मैंने देखा नहीं है। निकल यहां से लेके। जोगिंदर बेटा मैं ठीक हूँ, तोड़ जाए ये जैसा करने ठीक कर रहे, तू चला जा, चला जा। पिताजी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, चलो। ये दोनों बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। इस बुड्ढे से तो हद है, इसके ड्रामों की वजह से तो हमारी जिंदगी खराब हो रही है। रोज सुबह उठती कलेश कर दे, मुझे यो ना मिला, वो ना मिला। अरे कभी भगवान का नाम भी ले लेकर बुड्ढे, चला ये स्वर्ग नहीं मिलेगा, सीधा नरक में जाएगा। और तुम तेरे ड्रामे सोच रहे कि हमारे बालकों के बेला होने के, सब कुछ होगा, तेरी लाश निकलेगी, उससे पहले हमारी लाश निकलेगी यहाँ से, कल मरेगा। मुझे यही मर लेने दे, तू चला जा बेटा, यहाँ जैसा भी होगा हो जाएगा, तू दुखी ना हो ना मजा कर ना दुखी कर। चला जा जैसा मेरे भाग में हो जाएगा, तू चला जा। डॉक्टर साहब पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो मैं घर जाकर देख करना पड़ेगा एक बार। ठीक है जोगिंदर, तू फिक्र मत ना कर, मैं घर जाकर देख आऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। बैठे क्यों, चाय पी लो, अभी तो 2 कप और धरे हैं, वो भी आपको ही पीनी है। 2 कप और धरी है? इतनी क्यों बनाई? धोखे से बन गई आज। धोखे तो बन गया, तू ही पियेगी, मैं ना पीऊं? अच्छा पीनी तो आपको ही पड़ेगी, नहीं तो? नहीं तो क्या? लड़े मत ना, विदेश को आया। अरे किट्टू आ जा। तू ठीक है बेटा? चाची घर चलो ना।
चाची चाची से बोलो ना घर चले। मुझे पता है आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे प्यार करते तो आप मुझे कहीं भी नहीं छोड़ के जाते। ऐसा ना किट्टू, मैं तेरे से बहुत प्यार करूं। विकास। हाँ जी। तेरी मम्मी कहाँ है आज? माँ तो घेर में गई। अरे तुम एक बात तो बताओ, तुम पूरे दिन काम में लगे रहो, माँ भी इतना गुस्सा कर रही थी, उस भानु का पता ले लो या ब्याह करके भूल गए उसका। यार सही कह रही तेरी मम्मी, जाना तो पड़ेगा, चल कल जाता हूँ। पिताजी मैं भी चलूंगी तुम्हारी गैल। अरे तू क्या करेगी, यहीं रह अपनी मम्मी के पास। ना मुझे भानु दीदी की याद आ रही है। तू पूरे दिन तो लड़ाई उससे, चलो ले जाओ बच्ची बेचारी मूवी आओगी। चल ठीक है चलिए, कल को चाय बना ले। अदरक वाली बनाती होगी। ठीक है बेटा। किट्टू, रे किट्टू। तब राम राम। राम राम। आजा भाई आजा। अरे क्या बात होगी, जोगिंदर आया आसान, उनके पापा की तबीयत खराब है देख लियो। हाँ तबीयत तो खराब है भाई। ऐसी क्या बात होगी। हाँ तू देख ले भाई, तू तेरे पे देख ले। हाँ वैसे तो सब सही है, बस थोड़ी सी हरकत सी में है। अच्छा तो मैं अभी दवाई भिजवा देता हूँ, गर्म पानी तो ले लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। तो ये ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? लो बेटा बैठो। पिताजी नमस्ते। पिताजी नमस्ते। बेटा नमस्ते। लो बैठो। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। मैं दुकान पे था, कुछ सामान ले आऊँ। ठीक है बैठो। लो पिताजी पानी। बेटा बैठो। और पिताजी माँ ठीक है? हाँ बेटा वो ठीक है, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ पिताजी। दीदी जीजा जी इतने कमजोर हो रहे हैं, कुछ खाने को ना देती क्या? चुप कर बदमाश। आओ बेटा। और बताओ पिताजी सब ठीक ठाक जी? हाँ बेटा सब ठीक है। बेटा घनश्याम जी की तबीयत कैसी है अब? बस पिताजी तबीयत तो खराब ही चल रही है, बाकी दवाई उन्हें दवाई है, अभी तो आराम ना है। बेटा तुम्हारे भाई तो घनश्याम जी ख्याल रखते नहीं, तुम उनको यहाँ ले आओ अपने घर। हमने बहुत कोशिश करी कि हम पिताजी को यहाँ लेके आवें, उनकी देखभाल करें, पर पिताजी ने आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और बदले में अगर हम वहाँ जाकर रहें, पिताजी की सेवा पानी करें, तो फिर वही रोज का लड़ाई झगड़ा, इससे पिताजी और परेशान हो जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। कोई बात नहीं बेटा, चलो घर चलो, उनसे मिलकर आते हैं। हाँ भी चलते हैं, कुछ चाय पानी ले लो। चलो ठीक है बेटा। बता के है सेवा बेटा, एक मिनट पानी देना।
भगवान, इस बुढ़े ने तुम्हारा जन्म दुखी कर दिया। कभी पानी कभी चाय, ये भगवान इसे तो ठा ले तुम्हारे धोरे से। धनश्याम जी राम राम। पिताजी तुम ठीक भी हो? भाभी, अरे भाभी। हाँ बता के है। तुम्हें दिखाई दे रहा घर में मेहमान आ रहे, जाकर चाय बना लाओ। जाओ क्यों, अपने महल पे तो पिया के लाया तू इन्हें चाय। थार पे तो पिताजी का ख्याल तक नहीं रखा जा रहा। जब तुम्हें इतनी चिंता तो लेके क्यों ना जाते हो इसे अपनी गैल, ले जाओ। बेटी तुम्हारे ससुर हैं ये, और ससुर की सेवा करना एक धर्म होता है। ससुर की इज्जत बाप से ज्यादा करनी चाहिए। ज्यादा उपदेश देने वाला बन रहा, ये उपदेश अपनी बेटी को दे जाके। अब ले जा किसे यहाँ से ठाके, पता तो चलेगा कितने खून पीवे हमारे। करवा ले सेवा। पिताजी, मैं तुम्हें छोड़ के इस मारे न जाऊं तो कि तारी सेवा कौन करे। पिताजी तुम मेरी गहल चलो। जोगिंदर मैं तुझे और दुखी नहीं कर सकता। पिताजी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुझे मैं तुझे मेरी कसम तुझे चलना। जोगिंदर भैया कैसे रुक के तार रहा, क्या हो गया? भाभी विपिन भैया को ना चार लोगों ने बहुत बुरा पिटा, उन्हें एक बार जाके देख लो। है? सीमा दीदी, सूरज भैया, मैं तो लूट के बर्बाद होगी। प्याज भी काट दो क्या जी? प्याज तो रहने दे। अरे यार कुछ लोग विपिन को गांव से बाहर पीट के फेंक गए लेनदारी के चक्कर में, और बहुत ज्यादा हालत खराब है। सूरज हॉस्पिटल ले गया उसे, 2 लाख में मांगे। अरे यार मैंने उसे बहुत समझाया कि अपना व्यवहार ठीक कर, जैसे कि हालत में पता नहीं क्या क्या करता फिर है। ठीक तो है ऐसे, बच्चे और ज्यादा हैं। कैसे करूँ यार मिंटू? चल सुनो जी, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे और हाँ शादी के गहने भी है, तुम वो ले जाओ। लो इन्हें बेच के भैया के इलाज के पैसे दे देना, शायद उनके पास इतने पैसे ना हो। और हाँ जल्दी चले जाओ, मेरा तो जी घबरा रहा। पिंटू चल सुनार के। अरे मिल जाओगा वैसे वो? हाँ 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 मिल जाएगा। अरे यूरी चल। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है, हम कुछ गहने लेके आए हैं, इन्हें बेचना चाह रहे हैं। लाओ दिखाओ। अरे भाई ये तो नकली है। हैं? ये मेरे किसी काम की नहीं। जोगिंदर तू चिंता न कर, पिताजी धोरे चल रहे हैं, और हम उनसे कहेंगे हम जमीन बेच नहीं रहे, जमीन के कागज गिरवी धर रहे हैं।
अच्छा जी। अच्छा जी नमस्कार। राम राम। पिताजी पिताजी जमीन के कागज दे दो जल्दी। मेरे द्वारा कुछ नहीं आए बे। अजी बहुत हालत खराब है विपिन की। डॉक्टर ने 2,00,000 रुपए मांगे पिताजी। पिताजी दे दो पैसे। जमीन के कागज दे दो पिताजी। आज पिताजी बुढ़े को पिताजी बता वो मेरा सगा भाई है उसकी बहुत हालत खराब है पिताजी। नमस्कार। आ बैठ। कैसे परेशान दिख रहा है राय साहब। विपिन अस्पताल में डॉक्टर ने 2,00,000 रुपए मांगे। 2,00,000 रुपए मांगे तो मेरे द्वारा क्यों आया है? पैसे तुम ही दे सको। जब तो दोनों भैया पूरी मरोड़ में मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ गए अच्छी भुंडी कह के गए मुझे। मैंने तारा हिसाब कर दिया है मेरे द्वारा कोई पैसा नहीं है। ऐसा मत करो राय साहब बड़ी उम्मीद से आया। वो जो अस्पतालों पड़ा ना तेरा भैया फैक्ट्री के जितने भी वर्कर थे ना कमेटी घेर रखी थी उनके पैसे खा गए उनके भी मैंने ही भरे हैं। अब तो मैं 2,00,000 रुपए और दे दूं। मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है राय साहब। मेरे पे ना कुछ भी चल तू लिखट। अब यही बसेगा चल लिखट खड़ा हो लिखट लिखट। 2,00,000 रुपए दे दो इसे। अरे जाता के कहां है अस्पताल में पड़ा ना तेरा भैया उसने भी अच्छी खरी खोटी कही मुझे। अब लिखड़ी हाथ है 2,00,000 रुपए दे दो इसे। हेलो पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ठीक हो पिताजी? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ। तू कैसे परेशान है रो क्यों रही है? पिताजी विपिन भैया को चोट लग गई और डॉक्टर ने 2,00,000 रुपए मांगे हैं। बेटा 2,00,000 रुपए तो नहीं है पर तू चिंता मत कर जितने भी होंगे मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी जल्दी आ जाओ। ठीक ठीक है बेटा चिंता मत करी मैं आ रहा हूँ। पिताजी विपिन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने पैसे मांगे हैं। पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब मुझे जमीन के कागज दे दो पिताजी। उसके नाम का नहीं मेरे द्वारा कुछ भी। पिताजी उसकी रहना सही कम से कम मुझे तो दे दो। तू क्यों बाबड़ा रहा उनके चक्कर में? वे तुझे कुछ नहीं मानते। रहने दे मैनू को। पिताजी विपिन मेरा भाई है कोई दुश्मन ना। अच्छा बुरा तो इंसान का स्वभाव होता है जिसे बदला भी जा सकता है। अगर विपिन को कुछ हुआ तो वो नहीं बदला जा सकता। पिताजी मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अपने परिवार की फिक्र है। ठीक है जब तू कह रहा तो मैं तजा दे रहा भीतर संदूक में धरे उठा ले जाइए। ताऊ तू चिंता मत करे हम जमीन को बेचने के ना इसे गिरवी धर देंगे। हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी बाद में पैसे देकर छुड़ा लेंगे। इससे विपिन की जान बच जाएगी और जमीन भी छूट जाएगी। पिताजी बेटा मैं तो नफरत नहीं करता। देख बेटा
आदमी को सुधारने के लिए तरह आप इसमें प्यार बना रहते हैं भाइयों का कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़े हैं जो बहुत कठोर है। मीनू बेटा तू चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब पैसों का इंतजाम हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भाई साहब पैसों का इंतजाम हो गया। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया बेटा। भाई साहब कैसे भी करके कुछ भी करके आप पैसों का इंतजाम करो और भाई साहब उन्हें ठीक करवा दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, भाई साहब उनको ठीक करवा दो आप कैसे भी करके। सूरज भाई मेरे डॉक्टर से बात हुई है, विपिन ना बिल्कुल ठीक, और हाँ मैंने पैसे भी जमा करवा दिए हैं। भाभी तुम चिंता मत करो, विपिन ना बिल्कुल ठीक है, अब तो पैसे भी जमा हो गए मैंने। और हाँ ये पकड़ 50,000 रुपये, विपिन के इलाज में काम आऊंगे आपके। मैनू अब विपिन को घर ले चलेंगे। पिताजी, आ गया भाई तू? ठीक है तू? हाँ पिताजी। डॉक्टर ने जुकर कह नहीं लिया दवाई, चोट गनी तो ना है? ना पिताजी। अब पिताजी वो भी ठीक है, जोगिंदर भी ठीक है। जोगिंदर का क्या हो गया था? इसका ब्लड ग्रुप कहीं ना मिल गया था, तो ब्लड बैंक में जब खून न मिला तो सारा खून जोगिंदर ने दिया। मैं नहीं तो कहूँ था, मैं अपना ही खून काम आवे जी बावे, और ना कोई मिला करता, अपने दे दिया ना था कोई नहीं। ठीक है पिताजी, मैं भी चलूँ, भानु घर पर अकेली होगी। तो एक काम कर, चला जाइए, एक बार मेरा रामायण पढ़ने को जी कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा दवाई ले लिए, ढंग से ठीक हो जाएगा तू तावड़ा ही। लो पिताजी। आप ठीक हो जी? मैं भगवान के आगे दिया जला के आती हूँ। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, पिताजी के लिए फीकी चाय बना दी। बनते थी, खोल दे इसमें, बैठ जाओ सारे भाई बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बाली सुग्री भी भाई भाई थे, आपस में लड़े थे, देखो क्या हाल हुआ उनका। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भी चार भाई थे, सारी दुनिया जाने उन्हें भाई बने थे, सारी दुनिया मिसाल दे उनकी भाई भाई की। मैं तो मनु कह रहा, तुम भी आपस में रल मिल सी कर रही हो। जोगिंदर शाम होली भाभी अकेली होगी, चल। पिताजी मैं अब चलूं, विपिन भाई दवाई टाइम पर ले ली है, चल ठीक है। ठीक है, ठीक। चल विपिन, चल आराम से, आराम दवाई ले। यार विपिन पूरी रात हो गई मैं सो नहीं पाया। भाई मुझे भी नींद नहीं आई, हमने भाई के साथ बहुत गलत किया है। ये गलत तो क्या है, हमें उससे अब माफ़ी जाकर मांगनी चाहिए, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। भाई पिताजी का भी सपना ये है कि हम तीनों साथ रहें। अगर वो गवार इस घर में आया तो उसी वक्त हम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अगर आज के बाद मेरे परिवार के बारे में एक भी शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी धर्म पत्नी है और इस घर में रहती है।
भाई साहब, आपने दीदी को थप्पड़ मार के आप हमें दबा नहीं सकते। अब हम इस घर में एक पल नहीं रुकेंगे। भाई क्या अगर बोलना जरूरी है तुझे? भाई विपिन, चल जोगिंदर को लेकर। पापा मैं भी चलूंगा चाचा को लेने। चल बेटा तू भी चल, कम से कम तुझ में इतनी अकल तो है। जी चाय पी लो। आप कल रात से बहुत परेशान हो, क्या बात है? भानु, माँ तो है ना, पर पिताजी ने हमें कैसे कैसे पाला है, कैसे कैसे अपना लाड प्यार हमें दिया है, वो तो मैं ही जानू। पिताजी की हालत ठीक ना है, पिताजी यहाँ आने को भी मना करें, मैं कैसे करूं? आप परेशान मत हो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। मन तो मेरा भी बहुत करता है उनकी सेवा करने का, पर क्या करें। चाचा। किट्टू। किट्टू, सूरज, विपिन। चाचा घर चलो ना। भाई घर चल, हम पे जो गलती होगी हमें माफ कर दे। हमें बहुत महसूस हो रहा, हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, एक बार घर चल, जो हो गया उसके लिए हमें माफी दे दे, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है भाई। भानु अच्छा सामान लेखा जल्दी। चाचा मिल गया ना तुझे, चाचा करेगा ना तो 24 घंटे। राजा बहुत मुझे दे दे। पिताजी पिताजी, देखो हम एक साथ हैं, अब मेरे वापस आगे पिताजी।
बाबा जी कहे हमारे लिए ढेर सारा प्यार ले दे, वो हमें प्यार भेजते रहेंगे पर वो कभी नहीं आएंगे। अपने पराए।